सरकार को रोकना पड़ गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके पदों की डाउनग्रेड वाले बिल पर सरकार को मोदी जी को पीछे हटना पड़ गया। इसके पीछे वजह विपक्ष का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट की खुली चेतावनी है और इसके चलते जिसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी लोकसभा में चर्चा के लिए सरकार लाने जा रही थी। बकायदा इसके लिए लोकसभा वेबसाइट पर जारी भी कर दिया गया कि इस बिल को इस बार सदन में पारित कर दिया जाएगा, लेकिन विशेष सत्र के महज एक दिन पहले सरकार ने इसे मजबूरन वापस ले लिया। हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए दोस्तों, चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी है उनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिनचरों की माबलिनचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त है आप लोगों को महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को अबू फैसल वाकिफ़ करवा रहे हैं। जितनी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है, हर खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बल्कि अभी हमारे देश से ही जुड़ी ये खबर है जो कि हर इंडियन मुस्लिम के लिए बाग बाग कर देगी। इंडियन मुस्लिम जो एक टाइम से इन 10 सालों में सिवाय तकलीफ, सिवाय बेइज्जती, सिवाय धंधली, सिवाय बदनामगी, सिवाय अजियत के अलावा कोई चीज़ नहीं देखी, ये झेलते झेलते इतना हो गया है कि इनकी हर चीज़ को झेलने निकल गए थे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी औकात इनको दिखाई है, जो इनकी हर वो चाल के ऊपर इनको खुद जवाब देना पड़ रहा है, जो इनकी नसकशी हो रही है, इनकी खिंचाई हो रही है, इनकी बेइज्जती हो रही है, ये सब अल्लाह सुभाना ताला की मार है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इन्होंने फिर सोच लिया था और एक बिल पास करके किसी तरीके से चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे से निकालने का। तो इसमें इन्हों सरा ये जो ज्यादती करने गए थे, ये इनको ख्वाब सा लगा डरावनी। इसमें इन्हों नाकाम नहीं हुए, जलील भी हुए, बेइज्जत भी हुए, बेआबरू भी हुए। दूसरी एक चीज और करने गए इन्हों, जो इनके दिमाग के हिसाब से, क्योंकि इनका दिमाग क्या काम करता आप लोगों को पता है, इनका क्या इस्तेमाल करते इन्हों, उसी हिसाब से इनको चलना पड़ता। इन्हों सारे जितने जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग चीफ जस्टिस से हाथ मिला लिए और उनके कहने पे जो ईमानदारी से काम कर रहे, इनको सारे बदली कर देने के लिए इन्होंने बिल बना लिए थे। ये बिल के अंदर इलेक्शन कमीशन के लोगों को इनकी मर्जी मुताबिक रखे थे, फिर इनको भी चेंज करके मर्जी मुताबिक दूसरों को रखने के लिए, वो एक चीज। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ को किसी तरीके से चीफ जस्टिस के ओहदे से निकालने की बिल, जो इनको रातों रात, क्योंकि इसके मुखालिफ रहे पूरे इंडिया अलायंस के जितने पार्टियां, 27 पार्टियों ने इनके खिलाफ सिर्फ वोट नहीं दिया बल्कि रोडों पे निकलने की धमकी दी। एक आदमी ईमानदारी से काम कर रहा, एक आदमी दयानतदारी से काम कर रहा, एक आदमी जब तुम्हारे गलतियों को तुम गलत है बोल के बता रहा, तो तुम वो आदमी का को निकालोगे? ये तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है, ना तुम्हारी हैसियत है, तुम एक बट्टेबाज है, ये चीज दिखा दिए। इसलिए बोलते
एक बनना, एक रहना, एक ताकत से रहना, तो ये चीजें सामने आते हैं, इसके ये नतायज निकलते हैं। इसके ऊपर सीजीआई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो, उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन सारे पार्टियों का, इंडिया अलायंस का, जिस तरीके से उन्होंने जो ये एकता दिखाई, जो मोहब्बत दिखाई, जो देश से प्रेम दिखाया, हब्बुल वतनी जो दिखाई, इसके ऊपर उनको बहुत खुशी महसूस हुई और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को आपका ये भाई यही कहेगा कि अब इनके दिन ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरीके से इनकी बेइज्जती हुई है ये काबिले तारीफ है, ये काबिले फ़ख्र है, क्योंकि अब इनको सही माने में इनकी औकात, इनकी हैसियत का पता चल गया। इन्हों कुछ और समझे थे भाई देशवासियों को, देशवासियों को इन्हों कुछ और समझ के इन्हों अपने मर्जी मुताबिक, मन मुताबिक कामे कर रहे थे कि इनको कोई रोकने वाला, कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला, ना किसी की हिम्मत होगी ना कोई बोलेगा। लेकिन जिस तरीके से इनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन जीती है इंडिया अलायंस की, खुले तौर पे सिर्फ इनको वार नहीं किया, इनको वार्निंग नहीं दी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजीआई चंचोर ने इनको बता दिया कि तुम जो कर रहे हो ये चीज हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है, तुम जो चीजें दोहराने की कोशिश कर रहे ये कहां से लेके आए, दुनिया के कोई देश में ये चीज नहीं मिलती जो तुम करने जा रहे हो, जो तुम करना चाह रहे हो, जो हम तुमको हरगिज करने नहीं देंगे। ये चीज के ऊपर सिर्फ नजर नहीं रखी जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी करेंगे टाइम आने पे, वक्त आने पे। ये कहा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजीआई चंचोर साहब, और वाकई काबिले तारीफ बात है जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने इनकी मुखालिफत की, इनको पीछे ढकेला, इनको पीछे ढकेला। जिस तरीके से इंडिया के फास्ट बॉलर सिराज, दो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले, जो श्रीलंका की जो दुर्गत बनाई, श्रीलंका का जो हाल क्या है श्रीलंकन बैटिंग का, जो के 6 विकेट हासिल करे, जो उनको खेलने के लिए घबरा रहे थे, ऐसा दिख रहा था बाल लेके आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ और लेके आ रहे हैं उनके जान लेने के लिए, वैसा महसूस हो रहा था। ये चीज इनके साथ चल रही है, अब इन्हों सीजीआई को ख्वाब में भी देख के चिल्ला उठ रहे हैं, कब क्या कर देते इन्हों पता नहीं है बोल के। तो ये हैबत इनकी करनियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से अब इन्हों खुद सजा पा रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये खुश खबरी है, माशाल्लाह अच्छी न्यूज है, जो कि इन्होंने जो बिल लेके आया था खुला बाजाबता तौर पर, सारे ट्विटर पे, सारे हर चीज पे इनके वो चीज आ गई थी कि कल बिल आएगा, कल बिल को पास कर लेंगे राज्यसभा में, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजीआई चंचोर साहब को बाहर करेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जो इनका ख्वाब चुकना चूर हो गया। अब इन्हों खुद बैकफुट पे भी आ गए, आके वो चीज को निकाल दिए, वो बिल को कैंसिल कर दिए, बिल लाने वाले नहीं है, अब इनकी उठ बैठ चालू हो चुकी है, इनकी गिनती तुम लोग करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।